सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल लॉरेंस बिश्नोई एक बार फिर चर्चा में है। लॉरेंस बिश्नोई ने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को जान से मारने की धमकी दिया है। लॉरेंस ने कहा कि सलमान ने हमारे समाज को नुकसान पहुंचाया है, अगर उसने माफी नहीं मांगी तो उसका भी अहंकार तोड़ा जाएगा। उसने हमारे समाज को काफी नीचा दिखाया है। हमारे समाज में पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को लेकर काफी मान्यता है। सलमान ने हमारे समाज का अपमान किया है। हम चाहते हैं कि वह सबके सामने आकर माफी मांगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो लॉरेंस बिश्नोई ने यह धमकी जेल से दी है और मौजूदा समय में लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान को धमकी देने के साथ साथ कई खुलासे किए हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने बातचीत के दौरान बताया कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में वो शामिल नहीं था, उसे गोल्डी बरार ने मारा है। साथ ही सलमान खान को धमकी देते हुए कहा कि राजस्थान के बीकानेर में हमारे समाज का मंदिर है, वहां जाकर सलमान को माफी मांगनी चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो हम कानून का सहारा नहीं लेंगे, हम अपने तरीके से हिसाब लेंगे। बिश्नोई ने सलमान खान को 2018 में पहली बार जान से मारने की धमकी दी थी। तब से सलमान खान इस गैंग के निशाने पर है। इस दौरान बिश्नोई गैंग का एक सदस्य भी गिरफ्तार हुआ था। इसके बाद 2022 में एक चिट्ठी के जरिए सलमान खान को धमकी दी गई थी, जिसमें लिखा था कि सलमान खान का हाल भी सिद्धू मूसेवाला जैसा कर देंगे। दरअसल सलमान खान 1998 के काले हिरण के शिकार मामले में फंसे हैं। अब लॉरेंस बिश्नोई इस शिकार का बदला लेना चाहता है। लॉरेंस बिश्नोई खुद खुलासा कर चुका है कि 2018 में उसने सलमान की हत्या की पूरी साजिश रच ली थी। दरअसल सलमान खान पर फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग के दौरान राजस्थान के कांकड़ी में दो काले हिरणों के शिकार कर उन्हें मारने का आरोप है और उन पर भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 951 के तहत आरोप लगाए गए हैं। रिपोर्ट में सलमान के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 325 और 327 के तहत कार्रवाई की गई है। सलमान खान को 2018 में 5 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। बाद में उन्हें इस मामले में जमानत मिल गई थी। सलमान के साथ ही उनके हम साथ साथ हैं के सह कलाकार सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम और तब्बू पर भी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 51 और IPC की धारा 149 के तहत आरोप लगाए गए थे। हालांकि बाद में उन्हें भी बरी कर दिया गया था।